नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रतलाम में बजरंग दल के पूर्व नेता रमेश सिंधी को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी। बजरंग दल के पूर्व नेता रमेश सिंधी को बुधवार शाम शास्त्री नगर स्थित उनके ऑफिस में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। प्रारंभिक तौर पर मिली जानकारी के मुताबिक बजरंग दल के पूर्व नेता रमेश सिंधी उर्फ रामचंद्र 42 को शास्त्री नगर स्थित उनके ऑफिस में शाम करीब 7:45 बजे अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। बताया जाता है कि गोली रमेश के पेट में लगी। हमलावर गोली चलाने के बाद मौके से फरार हो गए। बताया जाता है कि हमलावर 3 थे और किसी काले रंग की गाड़ी में सवार थे। गोली लगने के बाद रमेश को जिला चिकित्सालय ले जाया गया। घटना की सूचना मिलते ही CSP हेमंत चौहान, TI किशोर पाटनवाला समेत पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंच गए। रतलाम ब्यूरो मुकेश राठौड़ की रिपोर्ट। ऑफिस के बाहर थे हम, वहाँ पर बातचीत कर रहे थे। रमेश जी हमारे वहीं खड़े हुए थे। तीन लड़के आए गाड़ी पे, बोले रमेश जी हमको दारू पिलवाओ, दारू पीनी हमको, तो दारू पीने के लिए आए हम आपके पास में। ऐसा के बात कर रहे थे, रमेश जी ने मना कर दिया, बोले पैसे से है नहीं कहा। 6:30 बजे के आसपास शास्त्री नगर में रमेश सिंधी उर्फ मामा सब लोग बोलते हैं उनके ऑफिस में अपने दोस्त नवीन पॉल, गौरव शर्मा, जितेंद्र रावत, दीपक सोनी आदि के साथ बैठे हुए थे। बाद में बगल में एक प्रकाश नाई की दुकान है, वहाँ पर आशु टाक जो है वो सेविंग करा रहे थे। उसके बाद रमेश भी वहाँ गए और